मितौली आक्रोशित पत्रकारों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मितौली को सौंपा, कार्यवाही की मांग। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से स्कूटी बरामद हुई है, वहीं दूसरी की तलाश जारी है। प्रयागराज थाना सराई नायत पुलिस द्वारा शांति भंग के आदेश में 3 व्यक्तियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन, ओपीडी सेवाएं बंद, मरीजों को हो रही दिक्कत। विवाह की उम्र में बदलाव, लड़की की शादी की उम्र 21 साल पर खाप चौधरी नहीं एकमत, शादी विवाह का निर्णय माँ बाप पर होना चाहिए, लड़की की शादी विवाह की आयु 21 वर्ष करने का सरकार का फैसला गलत है, यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ माँ बाप का होना चाहिए, लड़की के स्वास्थ्य को देखते हुए बालिका की शादी 18 में की जा सकती है, बाबा संजय कालखंडे चौधरी कालखंडे खाप। बदायूं शेखुपुर चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र, पुरुषोत्तम मिश्रा की रिपोर्ट। रूरा कानपुर देहात तिगाई आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम में जल स्वच्छता के बारे में महिलाओं को किया गया जागरूक, राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देवरिया जन विश्वास यात्रा की आवश्यक बैठक सलेमपुर डाक बंगले पर की गई, रिपोर्टर देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर बसपा कार्यकर्ताओं ने कांशीराम विचार यात्रा का नगर तालबेहट में किया बड़े हर्ष उत्साह के साथ किया स्वागत, राहुल कुमार की रिपोर्ट। बलग्राम हरदोई मानक के अनुसार नहीं हो रहा नाली निर्माण, मेन रोड के किनारे सिंगल ईंट से हो रही खानापूर्ति, ग्राम विकास कार्यों में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी सरकार को लगा रहे चूना, नाबालिगों से कराई जा रहा है कार्य। ग्राम पंचायत सिराइच मऊ में हो रहे नाले निर्माण कार्य में पुरानी व पीला ईंट मोरंग की जगह पर डेस्क का किया जा रहा प्रयोग, हरदोई से आलोक कुमार की रिपोर्ट। तेज बोलो, क्या नाम, कहां के रहने वाले, ये जो मसाला बना रहे हो ये कितने एक का बना रहे हो, कितनी मोरंग डाल रहे हो, कितना बालू डाल रहे हो, कितना मसाला डाल रहे हो? मोरंग कहाँ पे लगी है? मोरंग तो है नहीं, वो तो डेस्क लगी है।